हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बी नेचुरल विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैंने आज अपने किचन गार्डन में क्या क्या काम किए हैं और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई थी। और तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप अभी फ्लावरिंग या वेजिटेबल प्लांट्स कोई से भी जो आप ले रहे हैं, तो आप इस तरीके के पॉट वाले ही ले, क्योंकि जो खुले वाले प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो अभी क्योंकि ज़्यादा गर्मी है, दिन में धूप है, तेज़ धूप होती है, तो वो फ्रेंड्स सूख रहे हैं वो प्लांट, तो उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पॉट वाले प्लांट ही लें, भले ही वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट आपको 100% ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जो मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स भी लिए थे फ्रेंड्स, तो उनका रिज़ल्ट भी आप देख लीजिए कि 50% ही मुझे रिज़ल्ट मिला है, सक्सेस रेट 50% ही है। तो कुछ ये कैलेंडुला के और डेलिया के ही फ्लावर जो हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो सही चल रहे हैं, अदरवाइज़ मेरे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो सूख गए हैं गर्मी से, धूप से। तो ये देखिए, पिटोनिया के भी, चलो ये थोड़े बहुत चल भी जाएंगे, लेकिन ये गजानिया के तो फ्रेंड्स मुझे लग नहीं रहा कि कुछ भी होने वाला है। तो आप फ्रेंड्स इस तरीके के पॉट वाले ही प्लांट लें, तो उनका यही फ़ायदा है फ्रेंड्स कि एक हफ़्ते बाद मैं इनको लगा रही हूँ, लाने के एक हफ़्ते बाद, तभी भी ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो यही इनका फ़ायदा है कि आप लाकर रख लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आप अपनी कन्वेंस के या फिर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसको लगा सकते हैं, और ये लगाने में भी बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं एक हफ़्ते बाद लगा रही हूँ फ्रेंड, तब भी ये मेरे प्लांट जस के तस ही हैं। और जो अगर आप खुले में बंच में लेते हैं प्लांट्स, तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और उनको उसी समय लगाना पड़ता है फ्रेंड्स, और थोड़ा छाया में रखना पड़ता है। लेकिन हम इनको फुल, ये वाले प्लांट्स जो हैं वो पॉट वाले, इनको हम कभी भी लगा सकते हैं, और फुल सनलाइट में भी हम इनको रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट होती है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये एज़ इट इज़ ही हम लगा देंगे। तो इसलिए इसका सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा मिलता है। अगर आप वो खुले वाले प्लांट ले भी रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अभी मत लीजिएगा, जब अगले महीने जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब आप उनको ले सकते हैं, तो शायद तब वो चल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मत लीजिएगा। और ये मैं कुछ ब्रोकली के प्लांट्स भी लेकर आई थी, वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो ये मैं एक हफ्ते बाद लगा रही हूँ फ्रेंड, तब भी ये एज़ इट इज़ ही है। और नेक्स्ट काम मैंने फ्रेंड्स ये किया है अपने गार्डन में कि ये जो मैंने गोबर की खाद मंगाई है, तो ये अभी फ्रेंड्स थोड़ी गीली है, तो इस तरह से गीली खाद हमें अपने प्लांट्स में नहीं डालनी है। इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेना है फ्रेंड्स, ताकि ये थोड़ा सा इसमें धूप लग जाए एक दो दिन की, तो ये थोड़ी सी तो ये थोड़ी ठीक हो जाएगी डालने के लिए। तो इस तरीके की फ्रेंड, देखिए, जो भुरभुरी खाद होती है वही हमें अपने प्लांट्स में डालनी चाहिए। तो मैंने इसको फैला दिया है, तो एक दो दिन की धूप लग जाएगी तो मैं इसे अपने प्लांट्स में डाल दूँगी। और काफ़ी खाद जो है मैंने अभी प्लांट्स में डाल दिया है, जो थोड़ी इससे पहले सूख गई थी। तो ये देखिए, मैंने अपने प्लांट्स में, ये टमाटर के प्लांट्स है, तो मैंने टमाटर और ये बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्च के पौधों में इस तरह से मैंने जो है खाद वो है थोड़ी थोड़ी जो है डाल दी है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो प्लांट्स हैं वो अब बढ़ रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, तो इन्हें अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो हर 10-10 दिन में आपने क्या करना है कि
इस तरीके से दो दो मुट्ठी खाद जो है वो आपको अपने प्लांट्स में डालनी है। और इसको बस ऐसे ही डालना नहीं है, थोड़ा आपने गुड़ाई भी करना है ताकि ये जो खाद है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। तो मैंने यही काम किया है फ्रेंड्स आज, और हर 10-10 दिन में आपको यही काम जो है वो रिपीट करना है। और फ्रेंड्स, जो भी ये छोटी छोटी जो खरपतवार होती है वो हमें अपने प्लांट्स के आसपास जो भी खरपतवार है हमें उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ये जो खरपतवार है वो ले लेते हैं और हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो ये देखिए, इस मिर्ची है या फिर शिमला मिर्च है ये प्लांट, तो उसके आसपास देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी घास और ये खरपतवार उग रखी है। और ये प्लांट देखिए, छोटा सा प्लांट है, अगर मैं अभी इस घास वगैरह को नहीं हटाऊंगी तो जो मेरा प्लांट है वो ढक जाएगा और जो सारा न्यूट्रिशन है वो ये खरपतवार ले लेंगी। तो हमें इन्हें टाइम टू टाइम जो है हटा देना चाहिए, जैसे ही हमें लगता है कि अब हमारे प्लांट्स के आसपास जो है घास वगैरह इकट्ठी हो रही है तो हमें उनको फ्रेंड्स गुड़ाई करके हटा देना चाहिए। तो देखिए, मैंने सारा काम ही कर लिया है, तो अभी ये क्यारी कितनी साफ साफ लग रही है। तो 10 दिन बाद जो है इसकी अपडेट क्या होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।